सिंह, आप देख रहे हैं केवी न्यूज और ये है आज की बड़ी खबर। हमारे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी आम जनमानस को बताने चाहते हैं कि हमारे पूज्य आचार्य बापू जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सभी आरोप निराधार हैं। साधो साधो साधो। सरकारों में ऐसा रहा कि हमारे हिंदू धर्म के संतों के ऊपर तरह तरह के कटाक्ष किए गए, उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज देश का जनमानस खड़ा है, बापू निर्दोष हैं, हम सब उनके बताए रास्तों पर चलकर धर्म के बारे में, आयुर्वेद के बारे में आम जनमानस को बताने का और उनसे होने वाले लाभों को भी आम जनमानस को बताने का कार्य यह जो सब नवयुवक कर रहे हैं, इनको धन्यवाद भी देता हूं और साथ में विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विधायक सुरेश चंद तिवारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी को रिहा करो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भाई भैया आरती कीजिए और गीता लीजिए। आज गीता जयंती है। आज विवादों के पर्याय बन चुके हैं। आसाराम जी बापू हमेशा विवादों में रहते हैं, भले वो नाबालिग लड़की के यौन शोषण के केस में हो, भले ही चाहे अपनी सेवाओं के चक्कर में हो। आज लखनऊ नगर में आसाराम बापू फिर विवादों में हैं। इसमें विवादों का कारण उनका कोई केस नहीं, बल्कि उनके भक्तों द्वारा एक नई सेवा की के कारण है। आज आसाराम बापू के शिष्यों, युवा सेवा संघ के बच्चों ने आज गीता महोत्सव के अवसर पर गीता जयंती में भगवत गीता वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है, वो लोग पत्रिका बांट रहे हैं। Please do not forget to like, share and subscribe our channel.